त्रिपुरा की लोंगथराई तहसील के एक गांव में त्रिपुरी ट्राइब के लड़के लड़कियां नए साल के शुभारंभ की तैयारी कर रहे हैं। इस सिलसिले में ये लोग गांव के घर घर जाते हैं। रास्ते भर ये लोग अपने आराध्य देव गौरिया बाबा का नाम पुकारते चलते हैं। देश के कई अन्य त्योहारों मसलन असम के बिहू, पश्चिम बंगाल के पहला बैशाख या फिर पंजाब की बैसाखी की तरह ही त्रिपुरी जनजाति के लोगों का यह त्यौहार भी फसल के चक्र से जुड़ा हुआ है। एक समय में त्रिपुरा की जनजातियां झूम खेती ही करती थीं, हालांकि अब ये जनजातियां भी स्थायी खेती को अपना चुकी हैं। लेकिन बुईसू त्रिपुरी समुदाय की संस्कृति का एक अहम उत्सव बन गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शैलिन कुलो, यार आप देख रहे हैं मैं भी भरत। त्रिपुरा में अप्रैल महीना एक त्यौहार का महीना होता है। अप्रैल यानी कि बैशाख महीना में त्रिपुरा की सभी जनजाति जो आदिवासी समुदाय होते हैं उन समुदायों के अलग अलग तरीक़ा से फेस्टिवल होते हैं। जैसे कि जमतया होदा की गोरिया, कोलोय होदा की गोरिया, उसी तरीके से त्रिपुरा कम्युनिटी की बैशो फेस्टिवल होते हैं। आज हम आए हैं धलाई डिस्ट्रिक्ट की लोंगथराईवैली हकुतिशा गांव में, जिस गांव में त्रिपुरा समुदाय की रहते हैं। आज हम त्रिपुरा समुदाय की जो बैशो फेस्टिवल है उस फेस्टिवल को और थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करते हैं। बुईसू को मनाने के लिए त्रिपुरी समुदाय के लड़के लड़कियां घर घर जाकर नाचते गाते हैं। घर के आंगन में होने वाला यह नाच त्रिपुरी समुदाय का परंपरागत नृत्य होता है। इस दौरान जो गीत गाए जाते हैं उसमें देव की स्तुति और धन्यवाद ज्ञापन होता है। बुईसू फेस्टिवल वैसे तो सदियों से चले आ रहे है, हमारे पुरखों बुजुर्गों ने ये मनाया है। ये प्रत्येक वर्ष के जो अप्रैल महीना है वो अप्रैल महीना के 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। उस दिन हम लोग सरा यानी कि नदी वहाँ पर जाके पहले फूल चढ़ा के माता गंगा को प्रणाम करते हैं। उसके बाद 12 तारीख को हम लोग बुज़ुर्गों को नहा के उन लोगों से आशीर्वाद मांगते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग जो गोरिया देवता है, हमारे पुरखों की जो देव है, देवी है, उसको हम लोग पूजा करते हैं। उसी के साथ साथ हम लोग खेरे में जो डांस है उसको हम लोग नाचते हैं। देश के कई आदिवासी समुदायों की तरह ही त्रिपुरी जनजाति की संस्कृति या परंपराएं बाहरी प्रभाव या आधुनिकता से अछूती नहीं हैं। एक समय जनजाति समाज त्रिपुरा राज्य की सबसे बड़ी जनसंख्या थी, लेकिन आज राज्य की कुल जनसंख्या का एक तिहाई ही जनजातीय समुदाय के लोगों का है। इस नए दौर में बुईसू जैसे उत्सवों को कैसे बचाकर रखा जा सकता है, इसका प्रयास समुदाय की तरफ से किया जा रहा है। पहले जो बुजुर्गों ने ये पालन किया है और आज भी इसको और भी मजबूत करने के लिए हम लोग का प्रयास चालू है। जो बुईसू को और भी जो नेक्स्ट जनरेशन है उस लोगों का पास बुईसू को इस तरह फैलाना है जो बुजुर्गों ने बनाया है उसको और मजबूत करने के लिए हम लोग को जो प्रयास है और बुईसू को हम लोग आगे ले जाने के लिए प्रयास कर रहा है आज के जमाना में। जैसे कि हम लोग तीन दिन मेन बुईसू मनाता है,
फर्स्ट हरी बुशु कहलाता है, उसी दिन हम लोग अपने घर को सजाते हैं। और सेकेंड डे जैसे कि हम लोग बुशु कहता है, उसमें अपने बुजुर्गों को माता पिताओं को निहला के हम लोग प्रणाम करते हैं। उसके बाद अपने न्यू ईयर जो बेंगलुरु में नववर्ष कहता है, उसी दिन हम लोग अपने गांव की और घर की देवताओं को पूजा करके हम लोग खाना पीना खाते हैं। अपने जो ट्रेडिशन में है वही फॉलो करते आए हैं अभी तक। 13 तारीख बोईसू मनाने के क्रम में बुजुर्गों का आशीर्वाद और देव की पूजा होती है। इसके अलावा घर के पालतू जानवरों यानी गाय बैल की पूजा भी की जाती है। एक जमाने में जब नौजवानों की टोली घर घर नाचने गाने जाती थी तो उन्हें चावल भेंट किया जाता था, लेकिन अब जमाना बदल चुका है। अब चावल की जगह नकद पैसा दिया जाता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस पैसे से ये नौजवान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। त्रिपुरा समाज मूल बा प्रधान उत्सव हलो बुईसु बा बुईसुक। इदि चैत्र शेषर दुई दिन बैशाखेर एक दिन ओई दिने आमरा उत्सव बड़ धूमधामे रीतिनीति अनुसार आमरा एगुला पालन करा हय। कारण बारो मासे त्रिपुरी समुदाय का मुख्य उत्सव बुईसु या बुईसुक होता है। चैत्र महीने के आखिरी दो दिन और बैशाख के पहले दिन यानी तीन दिन तक यह उत्सव चलता है। साल भर में 12 महीने हम परिश्रम करते हैं और तरह तरह के कष्ट झेलते हैं। इन सभी कष्टों को विदा करके हम नए साल में प्रवेश करते हैं। आदिम पुरुष चिरचरित प्रथा अनुसार अपनी संस्कृति को बचाने की चिंता करने वाले लोगों ने बोईसु को कायम रखने के लिए नया रास्ता निकाला है। अब यहाँ के नौजवान हर साल एक सांस्कृतिक आयोजन करते हैं। इसमें स्थानीय लोग और कलाकार शामिल होते हैं। इससे न सिर्फ नौजवानों में अपनी संस्कृति और भाषा के बारे में जागरूकता बढ़ती है, बल्कि समुदाय में एकता भी पैदा होती है। परवर्ती साले आमादेर जे समाजेर समस्त मिलिए आमरा एकटा सिद्धांत निलाम जे आमरा एभावे थाकले चलबे ना। पॉलिटिकल गेसा बा आमादेर जे चिराचरित ऐतिह्य प्रथागुलो आमरा बिलुप्तर पथे। पिछले साल हमने मिलकर यह फैसला किया कि हम अपने त्यौहार को लुप्त नहीं होने देंगे। कई कारणों से यह त्यौहार लुप्त होने के रास्ते पर है। इस प्रयास में हमने यह तय किया है कि हर साल एक सांस्कृतिक मेला होगा। इस साल भी यह आयोजन हो रहा है। इसमें यहाँ के गांव के लोग और कलाकार भाग लेंगे। बुईसु फेस्टिवल में त्रिपुरा समुदाय की लोग प्यार बांटते हैं। हर घर में इस बुईसु को मनाते हैं और गांव की और समाज की शांति और समृद्धि की दुआ करते हैं। आज की ये बुईसु फेस्टिवल त्रिपुरा समाज की जो रीति नीति है, ये रिपोर्ट आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं भी भारत के लिए मैं शैलेन कोलोई लॉन्ग ट्रेवली।